अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आए इस्लामिक यूनिवर्सिटी और मेरे साथ मेरे क्लास फेलो मौजूद हैं फैज़ुल्लाह, जो कि फिफ्थ सेमेस्टर में बी एस सी इंग्लिश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इनसे पता करते हैं कि उन्हें किसने ये सजेशन दी थी कि वो इस यूनिवर्सिटी आएँ, और उन्हें ये यूनिवर्सिटी कैसे देखी, और अपने डिपार्टमेंट के बारे से वो बता दें कि ये कैसा है। जी शुक्रिया आफाक भाई, आपने मुझे बोलने का वो दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये यूनिवर्सिटी जो है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑल ओवर पाकिस्तान एंड इट्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। मैं हर स्टूडेंट को जो बी एस इंग्लिश करना चाहता है उसको रिकमेंड करना चाहूँगा। इसकी फैकल्टी बहुत ज़बरदस्त है, तमाम टीचर बहुत हार्ड वर्किंग है, इन्वायरमेंट बड़ा ज़बरदस्त है। आप जब आ जाए तो लाइब्रेरी में आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, इधर जो कंपटिशन होती है, क्विजेस होती है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त माहौल उसका होता है। मेरे दोस्त थे वो, उन्होंने मुझे ये रिकमेंड की थी कि आप जाए, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर पाकिस्तान, इधर फॉरनर भी आपको मिलेंगे। मैं जितना भी बोलूँ कम है, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट एंड सबसे ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी ऑल ओवर पाकिस्तान। सही है। तो टीचर्स के बारे में आपको क्या ख्याल है कि इधर के टीचर्स कैसे हैं? टीचर्स जो है यहाँ के सबसे ज़्यादा जो है वो मेहनती टीचर हैं, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट, इंटेलिजेंस के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त और बहुत आला फैकल्टी है। सर बुला रहे हैं जी। तो अभी जो ये हमारे अर्शद भाई हैं, ये एक और हमारे इधर क्लास फेलो हैं। तो दिस इज आवर रिस्पेक्टफुल सीनियर एंड दिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर क्लास एंड बोथ आर वेरी ग्रेट पर्सनालिटीज। वी कुड नॉट एक्सपेंड बोथ ऑफ देम इन normal words, there should be a special words, and thank you. I'm very thankful to both of them. Arshad, aap se bhi kuch puchna chahenge is department ke wale se ki aapko ye BS degree ki faculty kaisi lagti hai? MashaAllah, all the teachers are here PhD holders and they are very respectful. They are the guide of our future. They guide the students step by step. Their methods of teaching is very, very strong, and the administration in the English department is very hospitable and they help a lot. Yeah, they are really respectful teachers, and they are just like the glimmering stars of the university, and they just enlighten our dark, worldly path of success. In short, I would like to say that they are the hardworking, the most brilliant, the most competent.